गाइस, दिस इज नीलम एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाली हूँ पिंपल एंड उससे होने वाले दाग धब्बों की। कुछ टाइम पहले तक मैं भी पिंपल से बहुत ज़्यादा परेशान थी। बहुत सारा टाइम और पैसे मैंने वेस्ट कर दिए थे इन पिंपल की वजह से। फिर मुझे किसी ने एक होम रेमेडी रिकमेंड की। पहले तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जहाँ मैंने इतना टाइम और पैसे ऑलरेडी वेस्ट कर दिए हैं, चलो एक बार इस होम रेमेडी को ट्राई करके देखती हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे, इस होम रेमेडी से मेरे पिंपल बिल्कुल चले गए और यहाँ तक कि उसके निशान भी बिल्कुल साफ हो गए। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ पैराशूट कोकोनट ऑयल की। अब आप सोच रहे होगे कि पिंपल तो ऑयल की वजह से ही होता है, और अगर उसके ऊपर से हम ये कोकोनट ऑयल यूज़ करेंगे तो हमारा पिंपल और बढ़ जाएगा, बल्कि हमें और भी सारे पिंपल हो जाएंगे। बट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये कोकोनट ऑयल एंटी बैक्टीरियल ऑयल होता है। इसमें 50% फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी स्किन के अंदर जाके हमारे जो पिंपल के बैक्टीरिया है उनको परमानेंटली किल करता है, उसको दोबारा से नहीं होने देता है, और हमारे दाग धब्बों को भी साफ करता है और हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। तो ये 100% इफेक्टिव है। बट अगर आपकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, या आपके थोड़े बहुत पिंपल हैं, तभी आप इस ऑयल को यूज़ कीजिए। बट अगर आपकी स्किन ऑयली है या आपको बहुत ही सीवियर पिंपल हुए हैं, उस कंडीशन में आप ये ऑयल बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए। उस कंडीशन में आप किसी अच्छे स्किन डॉक्टर को दिखाएं। इसको यूज़ करने का आपको तरीका बताती हूँ। इसको दिन में नहीं यूज़ करना है, इसको रात में यूज़ करेंगे। रात में आप सोने से पहले अपना फेस अच्छे से वॉश कर लीजिए और अपने फेस को टॉवल से पोंछ लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल लेके थोड़ा सा रब करेंगे और अपने फेस पे 2 से 3 मिनट तक मसाज करेंगे। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, जहाँ भी आपका इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ पे आप डैप डैप करके इसको लगा लीजिए। बट बेस्ट यही रहेगा कि आप थोड़ा सा ऑयल लेके हाथ में रब करके अपने फेस पे इसकी मसाज कीजिए। तो आप 3 से 4 दिन में इसका बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। 2 दिन पहले मेरे यहाँ पे एक पिंपल हो गया था और मैं इसको कल से ही लगाना स्टार्ट किया है, तो आज तो थोड़ा कम है, कल तो बहुत ज़्यादा ही हो गया था। तो मैं इसको अभी रेगुलरली यूज़ करूँगी। आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। जहाँ पर आपने इतने सारे पैसे और टाइम वेस्ट किया है, तो एक बार इस होम रेमेडी को भी ट्राई करके देखिए। बहुत इफेक्टिव है और रिजल्ट आप खुद देखेंगे। मुझे लगता है कि कोकोनट ऑयल हर किसी के घर में बहुत इजीली मिल जाता है। बस अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप इसको परचेज कर लीजिए, क्योंकि ये हर तरह से बहुत यूजफुल होता है। ये हमारे हेयर, हमारी स्किन और हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये टैनिंग को भी कम करता है। अगर हमारे बाल फिजी हो गए हैं, स्प्लिट एंड्स हो गए हैं, तो उसको भी रिमूव करता है। अगर आपको टैनिंग की प्रॉब्लम हो गई है या कुछ और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई है, तो उसको भी ये रिमूव करता है। तो आप एज अ नाइट सीरम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।